आदि काल से ही कई बड़े बड़े सिद्ध संतों और भक्तों ने अलग अलग तरीके से भगवान को रिझाने और मन चाहा वरदान प्राप्त करने के कई तरह के यज्ञ और तपस्याएं की, और भगवान ने भी उनकी तपस्या से खुश होकर कई वरदान भी दिए। कलयुग के इस दौर में भी ऐसा ही एक राम भक्त देखने को मिला है, जो बीज तालाब में समाधि लगाकर नवरात्रि के दिनों में रामायण का पाठ करता है। धार जिले के अति प्राचीन माँ 64 योगिनी माता मंदिर के सन्मुख मानसरोवर तालाब में पानी के अंदर एक शिक्षक अशोक दायमा निवासी नालछा द्वारा प्रतिदिन रामायण जी का पाठ किया जाता है, और यह लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रत्येक नवरात्रि में तालाब के अंदर आसन लगाकर रामायण जी का पाठ एवं माता रानी की स्तुति इनके द्वारा की जाती है। यह नज़ारा वहाँ आए भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होता है। प्रतिदिन यह पाठ लगभग 2.5 से 3 घंटे तक किया जाता है। हमारे संवाददाता विनीत यादव ने जब उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यह प्रेरणा इनको इनके पिताजी एवं रामपाल की धाम के गुरु श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज के द्वारा मिली। सर के द्वारा बताया गया कि वह पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के दिन उनके द्वारा पानी में आसन लगाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया जाता है। कई युवाओं को सर के द्वारा यह आसन सिखाया गया है ताकि विपरीत परिस्थितियों में वह इस आसन का उपयोग करके डूबने से बच सके। यह कार्य भी सर के द्वारा लगभग 15 वर्षों से किया जा रहा है। पूरे देश में सुख शांति बनी रहे इसी उद्देश्य से हर साल यह पाठ करते हैं। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश की विदिशा के